गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जब आप ऑन पैसिव के अंदर आए थे, सच सच बताइएगा, ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए बनाई हुई है। और आप ये ध्यान कीजिएगा क्या और किसको देख करके आप लोग आए थे, किसने क्या क्या बोला था इस वीडियो के अंदर, मैं आप लोग को बताऊंगा। और क्या सच बोल गए और क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों की लाइफ में, क्यों कहा जा रहा है कि अब आपकी चिंता ख़त्म। एक बार तो आपको ध्यान होगा जब ये कहा गया था कि आप सुबह पैसे लाइए, शाम को लौटा दीजिए, इसका मतलब आपकी चिंता ख़त्म। इतना कॉन्फिडेंस के साथ किसने कहा था, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहने के बाद फिर ये शख्स आज क्यों नहीं बोलता कि भाई ये तो हम सब लोग बहुत पहले बोल चुके हैं। क्या वजह रही है जो ऑन पैसिव के इतने फाउंडर साथियों को परेशान हैं, चिंता में, सभी लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे में इन लोगों को बोलना चाहिए, जो लोग उस समय वेबिनार किया करते थे, आप लोगों को याद होगा ऑन पैसिव टीम चैम्पियन का जो वेबिनार होता था उसमें किस तरह के लालच और प्रलोभन दिए जाते थे, और ये लालच प्रलोभन की वजह से ही आप सब लोग यहाँ पर आए। क्या ये सच है या गलत? यदि सच है तो इस वीडियो में बने रहिए, छोटा सा वीडियो है। और अगर ये गलत है तो अभी भी आप छोड़ के इस वीडियो को जा सकते हैं। मुझे वीडियो से पैसा नहीं कमाना है, मुझे ऑन पैसिव से आप सब लोगों के लिए पैसा कमवाना है। ऑन पैसिव को पैसा देना होगा, ऑन पैसिव को अब तर्क वितर्क नहीं करना होगा, ऑन पैसिव को फाउंडर्स की सुननी भी पड़ेगी। क्योंकि यदि अगर फाउंडर्स की नहीं सुनेंगे, पहले तो आईडी टर्मिनेशन की बात होती थी, तमाम बातें होती थी, आईडी टर्मिनेशन की बात तो तब अच्छी लगती कि आप पैसा दे रहे होते और आदमी तब भी विरोध में बोलता तो समझ में आता। जैसे ढिल्लन सर को पैसा मिल चुका है, यदि अगर वो ऑन पैसिव के खिलाफ बोलेंगे तो इनकी आईडी टर्मिनेशन होती है, तो इनके ऊपर बात हो सकती है। जब आप कुछ दे ही नहीं रहे हो तो किसी के लिए बोलने की आज़ादी तो दे ही सकते हो, कम से कम कि वो बोले और आप लोग सुने। आप लोगों को सुनना पड़ेगा। सारे फाउंडर्स आज की डेट में बहुत परेशान हैं और इसको लेकर के आप लगातार इनका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, इनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं लगातार। अभी भी लालच जो प्रलोभन दे रहे हैं कि अभी भी आप लोगों ने देखा जब साइट बंद थी तब क्या कहा गया था, इन्हीं लोगों ने कहा था कि आप लोग देखिए जब साइट ओपन होगी तो क्या क्या बड़ा बड़ा होगा, और अब कितना बड़ा होगा इतने महीने काटने के बाद, अब आप देखो कितना बड़ा होगा। अभी भी कोई इसमें सब लोग समझ रहे हैं कि 2024 में कुछ नहीं आने वाला, 25 में ही आएगा। और अभी भी ये लोग ये लालच दे रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ हो जाएगा, दीपावली से पहले हो जाएगा या अक्टूबर में हो जाएगा। सब मैंने पिछले महीने भी कहा था कि सितंबर में कुछ नहीं होगा, और ये खींचते खींचते अक्टूबर को मिड में ले जाएंगे, और लगभग मिड में ले आए। और मिड में भी आने के बाद अभी भी कुछ साइट पर पता नहीं है क्या क्या होने वाला है। विड्रॉल्स की तो बात ही छोड़िए, टीम अगर कहीं से आ सकती वो भी छोड़िए, और पेन पे आउट की जो बात है वो भी अभी बहुत दूर की कौड़ी है। कॉमन कमीशन की बात हो रही थी, अगर कॉमन कमीशन नहीं दे सकते कॉमन टीम ही दे दीजिए, सबकी टीमों को कम कीजिए, सब में इक्वल वार्ड दीजिए। क्योंकि इन्हीं सब लोगों ने कहा था थ्री एंड फ्री, और कहीं से कोई काम नहीं करना है, और खुद टीमें बनाते चले गए, जोड़ते चले गए, और एक मोटा कमीशन भी इन लोगों ने खाया, प्रोग्राम भी किए, सब कुछ सब तरफ से सब लोगों ने देखा है क्या क्या हुआ। अब बोलने के लिए जब तुरंत कहते टर्मिनेट कर दी जाएगी, किसी को वेबिनार में कोई आ जाए तो उसका फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट लो, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसके बाद अब आप लोग क्यों नहीं बोलते कि हमने इतना डरा के धमका के रखा है फाउंडर साथियों को। अब वक्त आ गया कि फाउंडर्स भी बोलें, ढिल्लन सर भी बोलें, जस्सी भी दो बोलें, केडी शुक्ला जी भी बोलें, दिनेश कोटियन भी बोलें कि सब लोग फाउंडर के हित में कहाँ चले गए ये सब लोग, जो बड़ी बड़े दावे करने के बाद लोगों के घर मकान सब बिकवा दिए, खेत गिरवी पड़वा दिए, उधारी चढ़वा दी, बीमार करवा दिया, कितने लोग इस दुनिया से फाउंडर साथी चले गए, इस सब की जिम्मेदारी कौन लेता है? ये टीम चैंपियन के लोग ही जिम्मेदारी लेते हैं। इस वीडियो में आप लोग यहां तक आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये शेयर भी कीजिए, लोगों को बताइएगा भी कि फाउंडर साथियों को अब बलि का बकरा ना बनाया जाए, अब उनके फाउंडर साथियों को उनका जो आप ट्रैफिक देने वाले ट्रैफिक दीजिए, किसी की आईडी टर्मिनेट करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर एक की भी आईडी टर्मिनेट होती है तो पूरा भारत का फाउंडर एक साथ इनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देगा। अगर ये अभी भी कुछ नहीं जागते हैं तो फिर सब लोगों को बोलना पड़ेगा। एक ऐसे वेबिनार्स की शुरुआत हो जानी चाहिए किसी के साथ, ताकि आप सब लोग मिलके अपनी बात बोल सकते हैं ऑन पैसिव के लिए। तो वीडियो के अंत तक आप बने, कैसा लगा वीडियो शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद।